भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वो लोग सजा इसलिए भुगत रहे हैं क्योंकि उनसे किसी ने बात ही नहीं की, मतलब किसी ने उनकी कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। आप मुझे परमिशन दे दीजिएगा, मैं एक बार जाकर उनसे मिल लूंगा, उनकी कहानी सुन लूंगा, फिर मैं समझ पाऊंगा कि उन्हें किसने फंसाया है, वो कैसे फंसे हैं। अगर कोई उनसे बात ही नहीं करेगा और बिना बात किए अपराधी और दोषी घोषित कर देगा तो कैसे होगा सर? ए भीमराव, अखबार में तुमने ही लिखा था ना अपनी जाति के बारे में, अब क्या उसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सर आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए, सुबह से 10 वकीलों से मिल चुका हूँ, सारे ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। तो और से मिलो, कोई भी वकील मदद नहीं करेगा तुम्हारी। हम वकील हैं, हमारा काम ऊंची जाति के केस से चलता है, हमारा धंधा उनसे है। एक निम्न जाति के कैदी की हम मदद करेंगे ना तो ऊंची जाति में हमारी पूछ खत्म हो जाएगी, उनसे हमारी शत्रुता हो जाएगी। और पानी में रहकर मगर से बैर तो नहीं कर सकते ना, समझो? पढ़े लिखे हो ना, अपने घर वापस लौट जाओ और छोड़ दो उसके उसके हाल पर। अब ऐसे भी वो निम्न जाति का है, बाहर रहेगा तो खाने खाने को तरसेगा, जेल के अंदर रहेगा तो आराम से रहेगा। सर सर बात समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं अपनी पत्नी, बाबा, बुआ सबको नाराज करके घर से निकला हूँ सर। क्योंकि मेरी मानवता ने, मेरी इंसानियत ने और मेरी आत्मा ने कहा कि जाओ भीमराव और उस कैदी की मदद करो। आपका धंधा क्या कहता है ये मायने नहीं रखता सर, मायने ये रखता है कि आपकी इंसानियत, आपकी मानवता और आपकी आत्मा क्या कहती है। अब इतने बड़े वकील बने हैं आप तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं बने होंगे ना, इसलिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, एक बार उनसे मिलने दीजिए, मैं सारा सच जान लूंगा। ठीक है, एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ, उसको अदालत में दो, हाँ से परमिशन मिलती है तो उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जी जी प्लीज सर। हाँ तो भीम का सजा देवें की खातिर जो निर्णय भावा है वो तो सबका मंजूर है ना? अरे बोलो मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ हमें मंजूर है। और जो भीम के समर्थक है वो भी बताएं, भीम को अगर सजा मिलेगी तो आप सब भी समर्थन में रहेंगे, रहेंगे ना समर्थन में? कहीं ऐसा तो नहीं भीम के साथ खड़े होकर पलट जाओगे? दीदा भाई, कोई नहीं पलटेगा, कोई नहीं। कहाँ जा रही है? और तू तो नहीं पलटेगी? इतनी देर से चाल का एक सदस्य बनकर खड़ी थी ना आपके साथ, तब कुछ पत्नी धर्म निभाने जा रही, और निश्चिंत रहिएगा इस बार मैं आप सबके खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो आई कार्ड लेकर आए हो अपने ऑफिस का? नहीं आई कार्ड नहीं, लेकिन ये इसमें कागज है जो कोर्ट से लिखवा कर लाया हूं।
ये ठीक है ना? सर, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है, तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं? मिलवा दीजिए ना। मिलवा देंगे भीमराव, मगर मिलकर तुम करोगे क्या? मिलने के बाद क्या हो जाएगा? ये सब सवाल हैं। बस इतने ही सवाल नहीं है सर, सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं उनसे मिलकर क्या कर लूंगा? वो मुझे क्या कहानी बताएंगे? कहीं आप वाली कहानी से अलग कहानी ना बताए, फिर उन्होंने अलग कहानी बताई तो मैं उसका क्या करूंगा? वो कहानी लेकर मैं हमारे न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाऊंगा तो आगे क्या हो जाएगा? या फिर कहानी बताने के बजाय उन्होंने मुझ पर वार कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि आप तो उन्हें अपराधी मानते ही हैं। फिर इस जेल में मेरी जान को कुछ हो गया तो आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। सवाल तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन इतने सारे सवाल होने के कारण ये कागज होते हुए भी क्या आप मुझे उनसे मिलने से रोकेंगे? नहीं भीमराव, मिलवा तो हम तुम्हें देंगे भी। लेकिन इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मन व्याकुल हो रहा है। सर, आप जरा जरा शांत हो जाइए, आप बस एक बार मिलवा दीजिए ना। मैं एक बार उनसे मिल लूंगा, बात कर लूंगा, तो आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। चलिए। सर, ये आपके लिए। क्या है ये? एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, आज की छुट्टी की एप्लीकेशन है। भीमराव आज छुट्टी पे है जी, मगर ये हैंडराइटिंग भीम की नहीं है। उसने अखबार में जो छापने के लिए दिया था, उसकी हैंडराइटिंग कुछ और है। ये उन्होंने नहीं, ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। तुम्हें भी लिखने आता है? जी हाँ, उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया है मुझे। वो पूरन जी से मिलने गया है ना, इसलिए ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। इस एप्लीकेशन को लिखने के बजाय पति को उस खुखार आरोपी से मिलने से रोकना चाहिए था, क्योंकि इस केस में पड़ेगा तो खुद जेल में जाएगा या किसी की गोली से मार दिया जाएगा। चलती हूँ। ये लड़ाई तो भीमराव को जीतने ही नहीं दूंगा मैं। ए पुरन, ये भीमराव आया है तुमसे मिलने, मिल लो इससे। मुझे किसी से नहीं मिलना है, चले जाओ यहां से। पुरन जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। उस दिन देखा था मैंने आपको सड़क पर, लोगों ने आपको मारा, सर नीचे झुकाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी आपने नहीं झुकाया। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस दिन से लगा कि आप अपराधी नहीं हो सकते। लेकिन फिर उसके बावजूद भी आप यहाँ सजा काट रहे हैं, कैदी बने हुए हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अगर आपकी कहानी मुझे एक बार बता देंगे तो।
हो गई ना मुलाकात। मुलाकात खत्म, जाओ यहां से। देखिए पूरन जी, मुझे वो कहानी नहीं सुननी जो सबको पता है, मुझे वो जानना है जो जो सच है। पर मुझे नहीं बताना है, जाओ यहां से। देखिए सच जाने बिना तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं। अदालत ने 1 घंटे का समय दिया है आपसे मिलने का। 1 घंटा यही खड़ा रहूंगा और बस इंतजार करता रहूंगा कि आप कब कहानी बताते हैं। भीमराव देख रहे हो, यहां कुछ नहीं होने वाला है। ये तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन अदालत ने 1 घंटे का समय दिया है ना, तो 1 घंटा इंतजार करूंगा। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा हो या ना हो, कम से कम सुकून तो मिलेगा मुझे भी और पूरन जी को भी, कि हम दोनों एक ही जात के हैं और दुख बांटने के लिए कुछ देर के लिए दोनों एक साथ खड़े रहे। दिलचस्प नौटंकी है ये। चलो बैठकर देखते हैं कि होता क्या है। ओए चेयर लाओ। मालिक ये भीमराव तो बहुत ही बेकार आदमी है, अपनी बीवी को कौन पढ़ाता है। पर साहब पढ़े लिखे होने का एक फायदा भी होता है। क्या फायदा? यही कि जब हमें छुट्टी चाहिए होता है तो हमें ऑफिस आनी पड़ती है। अगर हम पढ़े लिखे रहते तो चिट्ठी लिखकर किसी द्वारा आपके पास भिजवा देते और मुझे छुट्टी मिल जाती और यहाँ आना भी नहीं पड़ता। साहब तुम दोनों सही कह रहे हो, भीमराव की बात कुछ तो अलग है। सेठ जी। अरे आइए। नमस्कार। नमस्कार। अरे खबर मिली कि नहीं आपको? क्या वो भीमराव जेल तक पहुंच गया और पूरन नाम के कैदी से मिल भी रहा है। और सुबह से 25 वकील से मिल चुका है कम से कम, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि किस वकील ने उस भीम की मदद की है। एक बार पता चल जाए ना किसने उसकी मदद की है तो बताएंगे उसे कि हमारे खिलाफ जाकर उस भीम की मदद करने वाले का अंजाम क्या होता है। बैठिए बैठिए, चाय मंगवाता हूँ। ये सब कह रहे थे कि भीमराव कुछ अलग है, कुछ खास है। जब बात अलग हो, कुछ खास हो, तो उसे कुचलना भी तो कुछ खास तरीके से चाहिए ना। खास तरीके से? अरे अरे तुम लोगों का खून नहीं खोलता है क्या? एक निम्न जाति का भीमराव एक निम्न जाति वाले को छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहा है। अरे क्यों नहीं खोल रहा होगा सेठ जी, इन दोनों का खून भी बिल्कुल खोल रहा होगा। ऊंची जात का जो भी आदमी उस भीमराव की हरकत को जानेगा ना, उसका खून खोलेगा ही खोलेगा। जिस निम्न जात के आदमी को हमारी जात वालों ने अपराधी मानकर सरेआम उसके मुंह पर कालिक पोता, उसी आदमी को ये भीमराव सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए निर्दोष साबित करने पर तुला है। उसे लगता है वो समाज में हम ऊंची जात वालों को नीचा दिखा देगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, गलत फहमी में है वो। हाँ बाबा बिल्कुल सही कह रहे, ऐसे व्यक्ति को तो सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये काम नहीं किया, हाँ तुम दोनों को करना चाहिए। तुम दोनों भी तो ऊंची जात के हो ना, भीम की इस गलती के लिए अगर तुम दोनों जाकर उसे सजा देते हो तो इस ऑफिस के बाहर ऊंची जात के लोगों में बहुत मान सम्मान पा जाओगे। सोच लो। और हम तुम दोनों का प्रमोशन कर देंगे और सीना ठोक कर कहेंगे कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोग बहुत ही साहसी है और अपने जाति धर्म के लिए समर्पित है। लो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तरफ सेठ जी तुम्हें प्रमोशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ समाज में मान सम्मान मिलेगा। साहब
हम अभी जाके भीमराव को सजा देते हैं। हमें आज्ञा दीजिए साहब। मगर करोगे कैसे? जेल से मिलकर निकलेगा तो भीमराव घर नहीं पहुंच पाएगा। ये सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए साहब। चलो आज तो छोड़ेंगे नहीं। देखना बचने ना पाए वो। एकदम सही आदमी चुने हैं आपने सेठ जी। बारूद हैं ये हमारी जात के। जरा सा चिंगारी दिखाई नहीं कि तुरंत आग पकड़ लेंगे और फिर धमाका। बस एक बार ये दोनों मिलकर उस भीमराव को निपटा देना कसम से, फिर तो सचमुच ऐसा धमाका हो जाएगा कि चारों तरफ बस मातम ही मातम। उस भीमराव के परिवार में भी, उसकी पूरी जात में भी और पूरी चौक में भी। रमा, भीम से बात कर कर, समझा कर, हमारी बातें बता कर आ गई? उनसे मिलने नहीं गई थी मैं। तो कहाँ गई थी? कहीं नहीं। अरे अब तो तू हमारे साथ है ना, तो हमें पता होना चाहिए। बता। जीजाबाई शांत हो जा। भीम वापस आएगा तो हम उसे वही सजा देंगे जो हमने तय किया है। अब इस घटना को इतना बड़ा चढ़ा कर मत बोल कि सब भीम के दुश्मन हो जाए। मेरा बोलने दो जीजाबाई को। आज जब बेटे ने ही चुप रहने के लिए बाध्य कर दिया है तो अब क्या बोले? बोलो जीजाबाई। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। भीम के बाबा भीम को कोस रहे हैं। वाह, तो बता रमा, कहाँ गई थी? जब गई तब तो कहकर गई थी कि पत्नी धर्म निभाने जा रही हूं। तो बता कौन सा पत्नी धर्म निभा कर आई है? अरे कहूं बैठ के सोच के आई होगी कि कौन कौन तरक से अपने पति का बचाव करेगी। और हमका तो ये तक लगा था कि भाग के केलुस्कर गुरुजी के पास गई रही होगी। हाँ, अपने पति के ऑफिस गई थी ये बताने कि आज वो छुट्टी पर है, समझे? पत्नी उनकी उनकी चिंता रहती है, तब से बोले जा रहे हैं आप सब। और आप सब इस बात की तसल्ली कीजिए ना कि मेरे पति आप सबकी नजरों में दोषी साबित हो गए, तो अब मैं भी मान रही हूँ कि उन्होंने गलत किया है। तो अब और क्या करूँ? मेरे पति को कोसूं, उनकी शिकायत करूँ? एक पुरंजी की मदद करने के लिए इतनी नफरत तो उधार ले ही ली है, इतना काफी नहीं है आप सबके लिए? और अपना जरा चुप रहिए, शांत रहिए, कुछ मत बोलिए। अरे भीमराव, आधा घंटा बीत चुका है, बेवजह कोशिश कर रहे हो। जो कहानी सबको पता है वही कहानी सच है। यहां से मैं भले ही खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन ये सच मानकर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा कि जो कहानी आप सबने सुनकर इनकी सजा तय की है वही सच कहानी है। कभी नहीं। तो ठीक है, आधा घंटा और बचा है, बैठ लो, उसके बाद तो चले जाओगे ना? फिर मेरी एक बात कान खोल करके सुन लो और लिख कर ले लो। मैं अदालत में अर्जी लगाऊंगा कि पूरन से मिलने पर जेल की शांति का खतरा है, दोबारा तुम कभी नहीं मिल पाओगे।
सोच लो। चलिए सर, चलते हैं यहां से। और हाँ, आप अदालत में अर्जी जरूर दे दीजिएगा ताकि आगे से मैं चाहूं तो भी इनसे मिल ना पाऊं।